गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, हमारे चैप्टर के लास्ट में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए और उनके आंसर क्या हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ कैन यू से दैट द कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। हम ये कैसे कह सकते हैं कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, यानी कि एक होशियार चतुर, ठीक है, जो हर काम को जल्दी कर दे, वो क्या होता है स्मार्ट। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। देखो आंसर इसका, कंप्यूटर मेक आवर वर्क, इजी एंड फास्ट। क्या करता है कंप्यूटर, हमारे काम को आसान और तेजी से करने के योग्य बनाता है। ठीक है, कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क इजी एंड फास्ट, यानी कि हमारे काम को आसान बनाता है और जल्दी से करता है, समझ गए। ठीक है, दूसरा क्या है, कंप्यूटर कैन डू मेनी टाइप ऑफ वर्क, यानी कि कंप्यूटर बहुत सारे तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नोट करो आप इसको। देखो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, फीचर्स समझ गए, क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनके फायदे हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं आंसर में क्या क्या लिखेंगे हम, हाई स्पीड,
क्या विशेषता है कंप्यूटर की? हाई स्पीड के साथ में काम करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा बिग स्टोरेज, और क्या है बिग स्टोरेज यानी कि उसके अंदर बहुत सारी जगह होती है आपकी फाइल वगैरह स्टोर करने के लिए, सॉन्ग वगैरह स्टोर करने के लिए, गेम वगैरह स्टोर करने के लिए, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जगह होती है और फास्ट काम करता है, ठीक है। तीसरा है हमारा एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब कितना सही तरीके से काम करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एक्यूरेसी, समझ गए। तो कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं, हाई स्पीड तेजी से काम करता है, बिग स्टोरेज बहुत ज्यादा जगह है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, यानी कि आप कोई भी काम करते हो उनको स्टोर करने के लिए, एक्यूरेसी यानी कि कितने अच्छे तरीके से काम करता है, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन यू डिफाइन डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि आप डिजिटल कंप्यूटर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसके बारे में कैसे बताएंगे, ठीक है। अब देखो आंसर, इट इज ए काउंटिंग मशीन, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, इट इज ए काउंटिंग मशीन, एक ऐसा डिवाइस जो आपके डेटा को काउंट करता है, उसको जल्दी वर्क करता है, क्या है, एक काउंटिंग मशीन, ठीक है। दूसरा क्या है, इट वर्क्स इन फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, किस तरह से काम करता है, ये जीरो और वन की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि जीरो और वन में काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, नोट करो आप इसको। हो गया होगा सभी का, देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
कल भी हमने आपको बताया था, परसों भी इसके बारे में हमने बात की थी, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, देखो मिनी कंप्यूटर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या होती है मिनी कंप्यूटर, इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि आपके कंप्यूटर की ही तरह एक आपका एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर स्पेस कम होता है, यानी कि स्टोरेज कम होती है, रैम उसकी कम होती है, यानी कि वर्क स्लो करता है। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, इट वर्क स्लोली। ठीक है, कोई भी काम है वो धीरे धीरे करेगा। ठीक है, वो क्या होती है मिनी कंप्यूटर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखें क्या है, व्हाट इज नोटबुक कंप्यूटर। अब देखो क्या है हमारा, व्हाट इज नोटबुक कंप्यूटर, क्या व्हाट इज नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है वो देखो। इट इज ए पी ओ आर टी ए बी एल ई पोर्टेबल डिवाइस, क्या है, इट इज ए पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस का मैंने कल बताया था, लाने और ले जाने के लिए जो आसान हो उसको क्या बोलते हैं हम, पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है, बट स्मॉलर देन लैपटॉप, यानी कि ऐसा डिवाइस जो लैपटॉप आपने देखा होगा लैपटॉप के जैसा दिखाई देता है और लैपटॉप से छोटा होता है वो। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस होता है, समझ गए, आप इसको नोट करो। ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर, सभी नोट कीजिए।